जब वी मेट में आज हमारे मेहमान हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला जी, स्वागत है आपका। पहला सेशन आपके राज में कंप्लीट हुआ, 1952 के बाद इतनी प्रोडक्टिविटी किसी एक सेशन में देखने को नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप बड़ी स्पीड से चीज़ें ले जा रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का पतन हो रहा है क्योंकि आप बहस का या फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। धनाधन धनाधन लोकसभा को और पार्लियामेंट को आपने एक नोटिस बोर्ड बना दिया है एक डिबेटिंग हाउस की जगह। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी अभी बनी नहीं, लेकिन जितनी विधेयक पर चर्चा इस सदन में हुई है, जिस सारगर्भित तरीके से वाद विवाद हुआ है और माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद भी हमने स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन, अन्य कई तरीकों से जो भी माननीय सदस्य किसी भी विधेयक पर डिटेल चर्चा करना चाहता था, मुझे लगता है कि उतनी डिटेल चर्चा हमने संसद में कराई और जब बिल पारित हुआ तो सभी माननीय सदस्यों की सहमति से बिल पारित हुआ। अगर सहमति नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हर बिल पर वोटिंग होती। आप जितने विधेयक देख लें उसमें से 90% बिलों पर सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ। आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको लग रहा था जब आप 2019 में चुनाव जीत के आए कि आपको स्पीकर बनाया जाएगा, क्योंकि आप दो दफ़ा केवल कोटा राजस्थान से सांसद चुन के आए हैं। आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बेकार सांसद आप ही की पार्टी में हैं। आपका चयन कैसे हुआ, इसके पीछे की इनसाइट स्टोरी बताएं। हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम होता है पार्टी में काम करना और जनप्रतिनिधि तो जनता की सेवा के लिए काम करना, उनके अभावों को संसद के माध्यम से जिम्मेदारी उसको उठाना। हम कौन सा दायित्व कब मिलेगा हमारी पार्टी के अंदर, ये निर्णय करने वाला व्यक्ति शायद इस पार्टी के अंदर चलने वाला नहीं हो सकता। इसमें तो जो आएगा काम करने वाला वो कार्यकर्ता बनकर काम करेगा। दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम करने आए थे, जो नेतृत्व ने उचित समझा वो किया। आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो आप उस स्टेज में हैं जहां आप खुद जाते। हालांकि आप जब राजस्थान असेंबली में थे वहां पे भी आपको पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला, फर्स्ट टर्म में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन काफ़ी वक्त और आप एक एमपी के तौर पे रिलेटिव बैक बेंचर के तौर पे परफॉर्म करते, सीधे सब हॉट सीट पे जाके आपको विराजमान कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे ये दायित्व मिलेगा, कभी अपेक्षा भी नहीं थी और अपेक्षा होनी भी नहीं चाहिए, दोनों बातें थी। इसलिए ये दायित्व मिलेगा, मुझे कोई कभी भी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इसमें 5 बार 6 बार जो सदस्य रहे हैं उन्हीं को लोकसभा स्पीकर बनाने की परंपरा रही है। बिरला जी, जब आप सांसद थे आपने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या देखा जिसको आपने बदलने की कोशिश की, क्योंकि बाहर से हमें कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के तौर तरीके के बारे में बदलना चाह रहे हैं। बदलना तो सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं, लेकिन देश की जनता ये चाहती थी कि ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद, जिसमें 130 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का मंदिर है, लोकसभा चलना चाहिए। लोकसभा के चुनने वाले माननीय सदस्यों को संसद सदस्य के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो अपनी बात संसद में रखे, अपने अभावों को, अपनी समस्याओं के अच्छे सकारात्मक सुझाव, कानून बनते समय अच्छे कानून बने, कानून के माध्यम से लोगों को अधिकार मिले। इसलिए देश की जनता भी ये चाहती थी कि संसद चले। और मैंने, आपने तो रिकॉर्ड ही बना दिया चलाने का संसद। मैंने रिकॉर्ड तो सभी माननीय सदस्यों की सहमति से रिकॉर्ड बनता है, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष चाहे कि मैं संसद को बिना तो वादी चलाया था। इसमें किसका जादू चल रहा है, इसमें ओम बिरला का जादू चल रहा है कि आप में कोई मैजिक फार्मूला है जो कि पिछले स्पीकर्स में नहीं था, या फिर जनता ने मोदी जी को, बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत दिया है कि दूसरों के पास कुछ बोलने को रहा ही नहीं। सदन सबकी सर्वसम्मति से चलता है, सत्ता पक्ष के भी और सदन के नेता का, सरकार का विशेष रूप से सहयोग रहता है कि सरकार भी ये चाहती है कि सदन चले और प्रतिपक्ष भी ये चाहता है कि सदन चले। मुझे
पार्लियामेंट में, संसद में मुझे नहीं लगा कि कोई माननीय सदस्य सदन को बाधित करना चाहता है, इसलिए मैंने सभी दल के नेताओं से, फ्लोर लीडरों से यही चर्चा की कि भाई आप जितना डिबेट करना है करें, यह आपका सदन है। पर आपने दो बातें कही, एक कि आप मानते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद, दूसरा आपने कहा कि समय मिलना चाहिए सबको बहस का। आप पे आरोप ये लग रहा है कि जिस तरीके से आप संसद चला रहे हैं, आप लास्ट मोमेंट में बताते हैं विपक्ष को कि आज क्या बिल आएगा। वो विपक्ष वाले कहते हैं हमें तो बिल पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, अपनी स्ट्रेटजी बनाने का मौका ही नहीं मिलता। आप कहते हो आप कर लो बहस, अरे जब पता ही नहीं बिल में क्या है क्या बोलना है तो बहस कैसे बनाएं वो लोग। सदन में कभी सभापति पर कोई आपत्ति नहीं करता है, और शायद पूरी प्रोसीडिंग आप देख लो कि किसी ने सभापति पर कोई आरोप लगाया हो तो या ट्रेजरी बेंचेस पे आरोप। नो, किसी ने भी, आप पूरी प्रोसीडिंग देख लेना 37 दिन की, किसी ने सभापति से ये नहीं कहा हो कि साहब आप बिल्कुल बहुत तेजी से चला रहे हो। माननीय अधीरंजन जी ने कहा, अधीरंजन जी ने या सुबोध बंदन ने एक बात कही कि आप जिस तरीके से संसद में काम चल रहा है अगली बार के लिए कोई बिल नहीं बचेगा, ये उन्होंने हाँ, जरूर कहा। अब हम आपके कैबिन में प्रवेश कर रहे हैं सर, ये सवाल बार बार उठा कि बिल्स इस दफ़ा तो स्टैंडिंग कमिटीज बनी नहीं थी, तो आपके पास एक टेक्निकलिटी थी कि स्टैंडिंग कमेटी तैयार नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं या आपको लगता है कि स्टैंडिंग कमिटीज का कोई रोल नहीं है? नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का भी अपना रोल है। स्टैंडिंग कमेटी में भी हर विधेयक पर डिटेल चर्चा होती है, संवाद होता है, बातचीत होती है, और मैं कह सकता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के जितनी चर्चा मैंने संसद में भी कराने की कोशिश की है, आप जितनी भी विधेयक पर चर्चा देखेंगे उस विधेयक पर जब तक सदन सर्वसम्मत सहमत नहीं हो गया मैंने विधेयक पर चर्चा की। स्टैंडिंग कमेटी में तो बाहर से भी एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपनी राय देते हैं। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में बाहर से एक्सपर्ट नहीं आते, अपनी राय देते हैं अधिकारी आते हैं, उनसे संवाद होता है, माननीय सदस्यों की जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर उनसे बातचीत होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अधिकतम माननीय सदस्यों ने ये सवाल नहीं उठाया कि स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को भेजना चाहिए। एक परंपरा रही है कि हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए, ये प्रतिपक्ष की मांग रहती है, लेकिन इस बार आप 37 दिन की कार्यसूची के अंदर देखेंगे जब 35 विधेयक पारित हुए तो सदन की सब ओपन प्रोसीडिंग है, आप सब देख सकते हैं, मुझे लगता है कि सभी अधिकतम बिल सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित। सर, हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ हम दर्शकों को पार्लियामेंट भी दिखाएं एक ऐसे एंगल से जहां पे अमूमन क्योंकि कुछ कुछ ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपका साथ मिला है आज, तो इसी के चक्कर में नई नई चीज़ें पार्लियामेंट की सबको देखने को मिले। पर मैं जानना ये चाह रहा था कि स्टैंडिंग कमेटीज़ पे स्पीकर के तौर पर आपकी राय क्या है, आपको लगता है कि अगला जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा आप भेजना चाहेंगे बिल्स को वहाँ पे, आपको लगता है कि चलिए खत्म? राहुल जी, मेरा मत ये कि स्टैंडिंग कमेटी में कोई आवश्यक हो तो डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मैं इसके नहीं कहता स्टैंडिंग कमेटी में कोई बिल जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन संसद उसका बड़ा प्लेटफार्म है, क्यों नहीं हर बिल पर संसद में डिटेल चर्चा हो। स्टैंडिंग कमेटी में आवश्यक हो तो जाना चाहिए, लेकिन आवश्यक नहीं हो तब भी एक डिमांड परंपरा बन गई हो कि हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए। नहीं तो कितने बिल जाए, 10 में से कितने बिल जाए? नहीं, ऐसे तय नहीं है कि 10 में से 5 जाए, 2 जाए, 3 जाए, जो आवश्यक हो। अब ये कैसे पता चलेगा आवश्यक? आवश्यक इसलिए कि जब बिल पर डिबेट पर चर्चा होती है उस समय डिबेट पर चर्चा होते हुए अगर सभी माननीय सदस्य संतुष्ट होते हैं तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं चाहेगी कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए। ना, सरकार का मत कभी भी नहीं रहता है कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाए। मैं सरकार का पैरवी नहीं कर रहा इस मामले में, बल्कि सरकार भी की सहमति से ही स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाते हैं, लेकिन अगर डिटेल चर्चा हो रही है और डिटेल चर्चा के अंदर सभी सदन के अंदर सर्वसम्मति बन रही है, सब दलों की सर्वसम्मति बन रही है, फिर क्यों आवश्यक है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और भी विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी पे उसके कामकाज पर डिटेल चर्चा होनी चाहिए, और जो कामकाज में जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग के उस विभाग के माध्यम से आम आवाम को कैसे लाभ मिल सकता है उसकी चर्चा होनी। सर, जो दूसरा सवाल उठ रहा था
वो ये कि ट्रेजरी बेंचेस यानी सरकार वक्त नहीं दे रहे विपक्ष को तैयारी का। शशि थरूर ने कहा कि आपने पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड बना दिया कि सरकार आज बताती कि हमने ये करना है, बजाय इसके कि तैयारी दी जाए ऑपोजिशन एमपीज को कि आप तैयारी के साथ आएं बिल पे बहस के लिए। ऐसा नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन सा बिजनेस आना है, कौन कौन से विधेयक आना चाहिए, मंत्री आना चाहिए, सारी चर्चा उस बीएससी कमेटी में होती है जिसका चेयरमैन मैं हूँ। और उसमें एक सप्ताह का पूरा कार्य पर चर्चा होती है क्या आज वर्किंग हुई, उसमें उनके जो सदन के नेता हैं उनको बताना चाहिए कि इन इन बिलों पर चर्चा होती हो सकती है, इसलिए सदन में सब तैयारी रहनी चाहिए। आप अपनी तरफ से पार्लियामेंट के आने वाले सेशंस में क्या क्या चेंजेस हैं जो इस बिल्डिंग के बारे में, यहाँ के काम करने के तौर तरीकों के बारे में आप बदलना चाहते हैं? बदलना तो बहुत है लेकिन सर्वसम्मति से बदला जाता है। आपकी क्या प्लानिंग? मैंने जो भी सदन में अभी तक सदन की कार्रवाई में जो भी बदलाव किया उसमें सभी दल के नेता, सभी फ्लोर के नेता की सर्वसम्मति से बदला है। कई बार लगता है कि मैंने बहुत बदल दिया है, ऐसा नहीं है। मैं एक भी निर्णय, क्योंकि सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है, सदन मान्य सदस्यों का है, उन्होंने मुझे चुना है, उनका संरक्षण करने मेरी जिम्मेदारी है। इस नाते मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि जो भी निर्णय हो वो सर्वसम्मति से हो। ये पीछे हमारे पंडित नेहरू की मूर्ति है जो बीजेपी के ज़्यादातर नेता रहते हैं, काफ़ी परहेज रहता है। आपको भी, आप भी नापसंद करते हैं नेहरू जी को? नहीं नहीं, मैं किसी से परहेज नहीं करता। जो भी माननीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान दिया है, उनका इस संसद के हर जगह सम्मान रहता है, उनके सम्मान में कभी कोई कमी संसद के अंदर नहीं रहती। ये सेंट्रल हॉल है, हम लोग अक्सर देखते हैं खासतौर से सेंट्रल हॉल में लोग बैठे रहते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं। इस इन इन सब चीज़ों को बदलने की आपकी कोई योजना है? अब इसके लिए भी सभी फ्लोर के नेताओं से बात करनी पड़ेगी, उनसे विचार लेना पड़ेगा। मन में कई इच्छाएं हैं बदलने की, लेकिन अच्छा हो कि सबकी सहमति से बदलाव हो तो उचित रहता है। इस दफ़ा बिरला जी, हमने संसद में देखा कि जय श्री राम के नारे लगे और लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, कि आप ठीक है ये टेंपल है पार्लियामेंट का, लेकिन इसमें इस तरीके से नारे नहीं लगने चाहिए। अब सदन में ऐसे जब शपथ ग्रहण हुए थे तो मैं उस समय सभापति नहीं था, प्रोटम स्पीकर के रूप में मेरे माननीय सहयोगी लोग थे, लेकिन उन्होंने भी व्यवस्था दी थी कि ये सदन की कार्रवाई में केवल सदन की शपथ के अलावा कोई कार्रवाई का हिस्सा न बने। नहीं, पर फिर भी किसी ने रोका टोका नहीं, तो इस तरह से अब नारे लगे और वही नारे जो संसद भवन में लगे फिर सड़कों पे लग रहे हैं, और उससे भी एक मैसेज जा रहा है कि क्या जो खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको एक मेजॉरिटी अब डराने की, दबाने की कोशिश? ना, ऐसा नहीं है। कोई जाति धर्म के नहीं, यहाँ तो धर्म की पालन यही है। धर्म का मतलब यह है कि अपने दायित्वों को ठीक से निभाना, अपने कर्तव्यों को निभाना। आप संसद के जब चलेंगे तो कभी आपने उस श्लोक को, पीछे वाले श्लोक को देखा, धर्म का अर्थ किसी जाति संप्रदाय से नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक से निभाना। और संसद में जो भी मान्य सदस्य आता है वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक से निभाए, ये सभी की आकांक्षा रहती है, मुझे लगता है कि सदन में मैंने देखा है। सभापति जी, एक चीज़ बताएं, हम लोग यहाँ पार्लियामेंट लाइब्रेरी की बिल्डिंग पहुँचे हैं, बीते जो पार्लियामेंट्री सेशंस होते थे उसमें आए दिन एडजर्नमेंट, शोर शराबा, इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही, प्रोडक्टिविटी रही, तो इसके पीछे आपका सीक्रेट फार्मूला क्या है कि आपके राज में एडजर्नमेंट क्यों नहीं हो रही और इससे पहले इतनी एडजर्नमेंट क्यों होती थी? मुझे लगता है कि सदन में सभी मान्य सदस्यों को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर, चाहे वो विधेयक पर हो, चाहे वो शून्यकाल हो,
चाहे प्रश्नकाल हो, यदि सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मैंने कोशिश की कि हर माननीय सदस्य को सदन में बोलने का मौका मिले। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद सिर्फ चार ही एमपी थे जिनको पूरे सेशन में बोलने का मौका नहीं मिला, वरना तो फर्स्ट टाइम एमपी को बोलते बोलते कभी कभी दो साल लग जाते थे। नहीं, हमने ये भी प्रयास किया कि जो फर्स्ट टाइम चुनकर एमपी आया है, आग्रह कर भी, व्यक्तिगत आग्रह कर भी हमारे स्पीकर ऑफिस से भी, कि हमने प्रयास किया कि वह सदन में अपने अपने क्षेत्र की बात को सदन के माध्यम से सरकार में और जनता के सामने रखे। ये हमने प्रयास किया और 46 महिलाएं नई चुनकर आई थी, उसमें से 42 महिलाओं ने सदन में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। एक बीजू जनता दल की माननीय सदस्य है जो गांव से आती है, जिनको केवल उड़िया भाषा आती है, जो बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम करती है, परिवेक्ष गांव का है, लेकिन उन्होंने भी सदन में अपनी बात को रखा, मुझे अच्छा लगा। दूर दराज लद्दाख से, कई इलाके से जो नौजवान सांसद पहली बार चुनकर आए थे, मुझे लगता है कि सांसदों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा और कई माननीय सदस्यों ने विधेयक पर बहुत डिटेल और सारगर्भित चर्चा भी की, चाहे पक्ष को चाहे प्रतिपक्ष के हो। एक जो जहन में सवाल आता है सभापति जी, वो ये कि यहाँ पे कागज़ बहुत वेस्ट होता है, हर रोज़ प्रोसीडिंग्स छपती हैं, हर सांसद को उसकी कॉपी दी जाती है। आजकल एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके इतनी लोगों की चिंताएं हैं, ये आप कागज़ इस्तेमाल करना थोड़ा कम नहीं कर सकते? ये आपने सही कहा, कई माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिए मुझे और मैंने सभी दल के नेताओं से भी चर्चा की, सभी दल के नेताओं के भी सुझाव थे, माननीय सदन के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सुझाव था कि पर्यावरण के लिए हमें पेड़ को बचाना चाहिए, और इसके लिए हमने पेपरलेस पार्लियामेंट बने, इसकी शुरुआत की है, और हर माननीय सदस्यों से हमने कहा है कि वो ऑप्शन दे पहले कि कौन कौन ऑनलाइन सारी कार्रवाई को, पत्रों को उपयोग में लेना चाहता है। मुझे आशा है कि जब अगला सत्र चलेगा तो हम 75-80% काम को पेपरलेस कर देंगे, कागज़ का इस्तेमाल 75-80% कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, पर जैसे आपने कहा कि कोई है ट्राइबल है, वो केवल उड़िया बोलता है, कंप्यूटर लिटरेसी कम है, ऐसे वो कहाँ, उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है? नहीं, वो भी माननीय सदस्य, आजकल तो उनके माननीय सदस्यों के सहयोगी हैं, वह भी उन सहयोगी की अलग से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं। माननीय सदस्यों का भी हमने 3 दिन तक प्रशिक्षण केंद्र रखा था, जिसके माध्यम से माननीय सदस्यों को सदन की कार्रवाई और अन्य चीज़ों को उनको जानकारी दी थी। मुझे लगता है कि ये काम असंभव नहीं है। सर, ये पार्लियामेंट का मॉडल है और ये हालांकि जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम हैं वो तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की कुल मिला के बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, और ऐसे में आप पे प्रेशर ये है कि इसको एक नया रूप दिया जाए, तो उसको लेके आपकी क्या सोच बन रही है? मैंने सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस भवन को 92 वर्ष हो गए, 92 वर्ष हो गए हैं, और तकनीकी का नया युग भी आ गया है, जब हम पेपरलेस करना चाहते हैं तो उसके लिए नई तकनीक का उपयोग भी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बैठने का स्थान भी छोटा पड़ गया, कई माननीय मेंबर पार्लियामेंट को उस पोल के पीछे बैठकर अपनी बात को कहने का मौका, इसलिए हमने सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस भवन को, वर्तमान भवन को या नए भवन को, जो भी माननीय सदस्यों के, यहाँ के कर्मचारियों के, अन्य लोगों के जो सुझाव आए उसके अनुसार, जब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो उस समय हम 2022 तक नए संसद के निर्माण की गति की ओर बढ़ सकें। तो क्या प्लानिंग बन रही है, क्योंकि ये है मेन पार्लियामेंट की बिल्डिंग, आप उसी को रिवर्क करना चाहते हैं? ये सब हम सबके सुझाव से करेंगे, सभी माननीय सदस्य, इस पार्लियामेंट के कर्मचारी, राज्यसभा के माननीय सदस्य,
वहाँ के कर्मचारी, सुरक्षा में लगे कर्मचारी, तमाम लोग, जनता, उन सबके सुझावों के आधार पर फिर निर्णय करेंगे। हम केवल ऐसा नहीं कि हम निर्णय करके या सरकार निर्णय कर, ऐसा नहीं है। ये इस बार जब निर्णय होगा तो सबकी सर्वसम्मति से होगा, सभी लोगों के सुझाव के आधार पर होगा, और उसके बाद मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आग्रह किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। वैसे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है बहुत अद्भुत, अच्छे से यूज हो पाती है, आते हैं, आपको लगता है एमपी इसको पढ़ने लिखने का शौक है? अद्भुत है और विश्व स्तरीय है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में इससे बेहतरीन कोई लाइब्रेरी होगी। हम इसीलिए अधिकतम मान्य सदस्य लाइब्रेरी में भी आए, और इसके लिए पूरी जितनी भी 1952 से लेकर अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों को हम तैयार करा रहे हैं, ताकि सभी मान्य सदस्यों को एक ऐप के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें उनको मिल जाए, ताकि वो डिबेट को भी सुन सके। और ऑनलाइन तो हम इस पूरी लाइब्रेरी को करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको लगता है कि एमपीज अच्छे से रिसर्च करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, ऊपर ऊपर बड़ा सतही। देखो 15 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं माननीय सदस्य, मैं सदस्य रहा हूँ लोकसभा का, मैं मेरी परिस्थिति को जानता हूँ कि 15 लाख मतदाताओं से आपको संपर्क रखना, निरंतर संपर्क रखना, उनकी समस्याओं, अभावों को सुनना, और फिर संसद की कार्रवाई का हिस्सा बनना, तो ये एक, मैं सोचता हूँ कि एक जो मेंबर पार्लियामेंट माननीय सदस्य के लिए सबसे कठिन है कि उसको जहाँ जनता से शाश्वत तरीके से निरंतर संपर्क भी रखना पड़ता है, उनके अभावों को दूर करने के लिए भी समय समय पर काम करना पड़ता है, और विधेयकों पर, अन्य विषयों पर, डिबेट पर चर्चा करने की तैयारी भी करती। तो मैं तो इस लाइब्रेरी को दिखाने के बाद मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूँगा कि वो अधिकतम समय अपना सेंटर हॉल की जगह इस लाइब्रेरी में बिताएं, ताकि इस लाइब्रेरी की विशिष्ट लाइब्रेरी का अध्ययन करेंगे, पुरानी डिबेट पढ़ेंगे, पुराने हमारे माननीय सदस्यों की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, सेंट्रल हॉल का भी चस्का किसी को लग जाए वहाँ की गप का, वहाँ के माहौल का, तो फिर वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा इस बार कि एक बार सभी माननीय सदस्यों को इस लाइब्रेरी का चस्का लगना चाहिए, लाइब्रेरी में आने का प्रयास करना चाहिए। तो ओम बिरला जी, एक जो सवाल उठा पार्लियामेंट जब ख़त्म हो रहा था उस टाइम पे, वो ये कि जिस स्पीड से आपने पहला सेशन चलाया, तो ऐसे तो पार्लियामेंट के पास एमपीज मजाक में ही पूछ रहे थे कि अगली बार कुछ कराने के लिए सरकार के पास काम होगा भी कि नहीं। नहीं नहीं, सदन के पास और सरकार के पास भी बहुत सारे काम काज हैं, और सदन चले उसके लिए मुझे लगता है कि हर सत्र के अंदर अधिकतम विधेयक भी पारित करेंगे, और कई विषयों पर जो समय के गंभीर विषय है उस पर डिबेट और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यह सत्र पहला था इसलिए बैकलॉग ज़्यादा था। मुझे लगता है कि सत्र में हम कई विषय पर 193 पर चर्चा भी कराएंगे, जो ज्वलंत विषय हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कराएंगे। और ये जो परसेप्शन बन रहा है कि चूंकि इतनी बड़ी एक बहुमत है बीजेपी सरकार की, तो विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर हो रही है, विपक्ष की आवाज़ बड़ी नोशनल हो गई या दरकिनार। मैंने भी कहा था कि सदन बहुमत के आधार पर नहीं चलता, सदन तो सबकी सर्वसम्मति के चलता है, सबके सहयोग से चलता है। ये लो आप कोटा के कड़के। क्या बात, आपने न केवल संसद भवन की पूरी सैर कराई, बात कही, बल्कि एक राजस्थानी थाली भी खिलाई। ओम बिरला जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।